हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लीवा के इंटीरियर के बारे में, और मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइम पे 2019 के अराउंड ये कार ली गई थी, एंड उस टाइम पे इस कार में क्या क्या फीचर्स आए थे और क्या क्या चीज़ें मिल रही थी आपको इस कार में। आज हम बात करेंगे इस कार के ड्राइव रिव्यू की और देखेंगे कि ये कार चलाने में कैसी है, एंड जो इसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं और आते थे उस टाइम पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्ट एंड i10 जो आती थी उस समय, एंड अभी जो आती है आपकी टियागो, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन करके ये कार कैसी है, और अगर ये कार अभी करंट टाइम पे होती मार्केट में तो ये कार कितना टक्कर दे पाती इन कारों को, और कितना कैपेबल थी ये कार उन कार्स के मुकाबले, और उन कारों को कंपटीशन देने के लिए कार सच में कैपेबल है या नहीं थी। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और आज देखते हैं इस कार का ड्राइव रिव्यू। तो चले चलते हैं कार में और मैं आपको बताता हूँ कि इस कार का ड्राइव रिव्यू कैसा है। स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू और देखते हैं कि ये कार चलाने में कैसी है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस कार में आपको 79 BHP की पावर मिलती है और जो 104 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो कार के इनिशियल गियर्स की बात करूं तो कार के इनिशियल गियर में आपको काफी सा रिस्पॉन्स मिलता है। इसका जो लो गियर से लो एंड टॉक है वो काफी ज्यादा है, अच्छा है गियर में। तो आपको जो पिकअप मिलता है कार से वो काफी अच्छा मिल रहा है। कार जितना आप एक्सलेट कर रहे हो कार उतना भाग रही है, तो इसका जो आपको फील होता है ना, जो आपको एक पुश चाहिए होता है इंजन से जब परफॉर्मेंस निकालनी होती है, तो इसके लो गियर्स में वो पुश है, वो परफॉर्मेंस निकाल रही है कार, अच्छा पिकअप बना रही है अगर मैं इसके लो गियर्स की बात करूं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके जो बाकी के गियर्स हैं, जो थर्ड और फोर्थ गियर्स में कार कैसा परफॉर्म कर रही है, कार की हैंडलिंग कैसी है, एंड कार का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, कार की ब्रेकिंग कैसी है, ये सब हम कवर करेंगे। आगे चलाते हैं इस कार को और देखते हैं कि इस कार में ये सब चीज़ें कैसी हैं। कार के इनिशियल गियर्स में पावर है यार। कार के फर्स्ट सेकंड गियर्स में अगर आप देखोगे तो कार में पिकअप है, कार पिकअप बना रही है इनिशियल गियर्स में। तो लो एंड टॉक जो गियर्स हैं कार के वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कार फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में। सर, कार कहीं से भी ना आपको दबती हुई फील नहीं होगी, आप एक्सलेट कर रहे हो तो कार भाग रही है, तो वो चीज़ है इस कार में। आपको कार में फील नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि कार आपकी दब रही है, या आपको कहीं फील होगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर में कार पिक नहीं कर रही, कार उठा नहीं रही। कार काफ़ी अच्छा उठा रही है एंड काफ़ी अच्छा चल रही है अगर मैं इसके इनिशियल गियर्स की बात करूँ तो। उसमें एक कहीं लंबा स्ट्रेच मिले ना तो हम सीधे चला के देखें कि कार के बाकी के गियर्स अगर फोर्थ और फिफ्थ में हाई स्पीड में कार कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो मुझे वो लंबा स्ट्रेच नहीं मिल रहा है, कब दिखते हैं रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं पे वो लंबा स्ट्रेच मिले तो इसको भगा के देखते हैं कि कार की हैंडलिंग कैसी है हाई स्पीड में। गाइस, इस कार में ना गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, आपको गियर शिफ्ट करते समय फील नहीं होगा, बड़े स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी गियर्स हैं इसके, काफ़ी स्मूथ गियर्स हैं इसके। तो जैसे मैं अभी करेंटली टाटा ड्राइव कर रहा हूँ, तो टाटा की कार्स में मुझे थोड़ा गियर में लगता है कि गियर कहीं अटकते हैं, इसके काफ़ी स्मूथ गियर्स हैं, कहीं पे भी अटक नहीं रहे, बिल्कुल इजीली आप गियर शिफ्ट कर पा रहे हो। तो काफ़ी गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है इस कार में। ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, इसमें इसको खींच के देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या हाई स्पीड में हैंडलिंग कैसी है इस कार की। की ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है, अभी मैंने इसको 80 पे टेस्ट किया, तो 80 पे टेस्ट करा ब्रेक जैसे आप प्रेस कर रहे हो ब्रेक बाइट अच्छा है इसका, ब्रेक अच्छी तरह से अप्लाई हो रहे हैं कार में, एंड ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगी इस कार की अभी तक। देखते हैं कार का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है। यहाँ से हम एक यूटर्न लेते हैं और देखते हैं कि कार का स्टीयरिंग वापिस अपनी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तक तो स्टीयरिंग इसका मुझे नहीं लगा इतनी अपनी जगह पे वापस आ रहा है ढंग से, एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, बिकॉज अभी मैंने पीछे टेस्ट किया तो इतना नहीं आया था, आगे थोड़ा सा रोड खराब थी तो मुझे जल्दी स्टीयरिंग सही करना पड़ा। अभी देखते हैं इस कार का स्टीयरिंग दोबारा से एक बार चेक करके देखते हैं कि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है एंड कार का स्टीयरिंग अपनी जगह पे आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे एक यू टर्न है फिर से, तो मैं ये यू टर्न लेके देखता हूँ जिसका स्टीयरिंग अपनी जगह पे आता है नहीं आता।
नहीं गाइस, स्टेयरिंग अपनी जगह पे आ रहा है, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स काफी अच्छा है इस कार में। पहले वाले कट में जब मैंने पहले ट्राई किया था तो उस समय मुझे लगा था, बट नहीं, अब मैंने दोबारा ट्राई किया है तो मैंने देखा स्टेयरिंग अपनी जगह पे आ रहा है, तो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी इस कार का काफी अच्छा है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, इसके इनिशियल गियर्स में गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ है, पिकअप भी कार में काफी बढ़िया है, क्लच लाइट है, आपको फील नहीं होगा अगर आप सिटीज में भी ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होगा फील कि क्लच हार्ड है तो आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो। क्लच भी काफी लाइट है इसका तो, और इसके साथ साथ स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा है। ब्रेकिंग मैंने आपको बता दिया है, ब्रेकिंग इस कार की अच्छी है। तो ओवरऑल यार मेरे को जितना इसको चला के लगा ना, काफी अच्छा है यार, काफी मजा आ रहा है इस कार को चलाने में। स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया, हैचबैक कार है, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं रहती हैचबैक कार्स की, तो वो एक बॉडी रोल नहीं होता कहीं पे। स्टेबिलिटी बड़ा अच्छा दब के चल रही है कार, मजा आ रहा है कार को चलाने में। इसी वजह से जो हाई स्पीड में जो स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार में वो भी बहुत अच्छी है। तो अभी तक तो मुझे इस कार को चलाने में बहुत मजा आ रहा है। तो यही चीज है यार, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने इसका इतिहास जो क्रॉस आती थी वो वेरियंट मेरे पास मैंने खुद ओन किया हुआ है, वो डीजल वेरियंट है तो उसकी पावर की बात ही अलग थी यार, तो उसमें ज्यादा पावर थी इससे, वो ज्यादा और ज्यादा मजा आता था उसको चलाने में। बट इस कार में भी मुझे काफी मजा आ रहा है चलाने में और काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है कार। और मैं मानता हूँ यार, अगर ये कार अभी भी होती ना इस टाइम पे तो ये अच्छा कंपटीशन दे सकती थी इन बाकी सब जो हैचबैक कार सभी आ रही है उनको। कार कैपेबल है, कार हर सेंस में कैपेबल है किसी भी हैचबैक कार को टक्कर देने में। तो अभी तक तो मुझे इस कार का जो भी मैंने ड्राइव किया है उस कार में मेरे को मजा आ रहा है इस कार को ड्राइव करने में। एंड कहीं से भी लग नहीं रहा कि यार कि इस कार को, इस जैसी अच्छी कार को डिसकंटिन्यू होना चाहिए था। काफी अच्छा चल रही है एंड काफी मजा आ रहा है इस कार को चलाने में। तो मुझे नहीं लगता यार कि ये कार कहीं से भी किसी भी एंगल से कहीं से भी कम लग रही है मुझे बाकी हैचबैक कार जो आ रही है उनमें से। तो ड्राइव के मामले में थम्स अप है गाइस, ड्राइव रिव्यू इस कार का बहुत अच्छा है, मजा आया इस कार को चलाने में। तो इस वीडियो में इतना ही, शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूंगा। और अगर आप में से कोई हमारे साथ अपना ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है नीचे दिए गए ईमेल आई डी पे। ट्राई करूंगा आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की, आपका सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।